नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके साथ और एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, हल्दी वाला दूध। जी हाँ, हल्दी वाले दूध को पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं हम आपको बता रहे हैं। दूध के साथ मिश्रित हल्दी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। हल्दी में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं। दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। यह खतरनाक पर्यावरण की विषाक्त पदार्थों और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए एक कारगर उपाय है। हल्दी दूध के लिए कैसे तैयार करें, इसकी विधि हम आपको बता रहे हैं कि हल्दी और दूध का मिश्रण कैसे बनाएं। दोस्तों, एक इंच हल्दी का टुकड़ा लो, उसमें दूध में 15 मिनट के लिए उबालें। उस हल्दी के टुकड़े को दूध में 15 मिनट तक उबाल लें, थोड़ा गुनगुना करके और उसे पिएं। हल्दी दूध के फायदे। सर्दी खांसी में हल्दी दूध की वजह से एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण सर्दी और खांसी के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। यह गले में खराश, खांसी और सर्दी के लिए त्वरित राहत देने वाला पदार्थ या पेय होगा दोस्तों। गठिया का इलाज। हल्दी दूध गठिया का इलाज और रूमेटी गठिया सूजन के इलाज के लिए प्रयोग की दवा होती है। यह भी दर्द को कम करने व जोड़ों और मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है। दर्द एवं पीड़ा। दर्द से सर्वश्रेष्ठ राहत के लिए हल्दी दूध एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है दोस्तों। शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी को भी घटाता है। दूध हल्दी में मौजूद कैल्शियम और मिनरल व अन्य पोषक तत्व वजन घटाने में मददगार होते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाता है। जी हाँ, दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी के कारण हल्दी वाला दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हल्दी वाले दूध को पीने से हड्डियों में होने वाले नुकसान और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में कमी आती है। खून साफ करना। जी हाँ, आयुर्वेदिक परंपरा में हल्दी वाले दूध को एक बेहतरीन रक्त शुद्ध करने वाला पदार्थ माना जाता है। यह रक्त को पतला कर रक्त वाहिकाओं की गंदगी को साफ करता है और शरीर में रक्त संचारण को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हल्दी दूध का एक और महत्वपूर्ण गुण होता है, आपकी बॉडी में ताकत आती है, हर तरह की एनर्जी आती है, जिससे कि आपको संभोग की शक्ति भी आपके बॉडी की बहुत ही बढ़ जाती है, जिससे आपके संभोग में मदद मिलती है। धन्यवाद। अगली बार हम आपसे नए टॉपिक पर मिलेंगे। शुक्रिया।